मैं शुक्र गुजार हूँ उस अल्लाह का कि जिस के अल्लाह के फजल करम से इस वक्त हमें ये मौका मिला कि इस बड़ी जामे मस्जिद में जुम्मतुल मुबारक आज काफ़ी अरसे के बाद जो अदा किया गया है। तो और अल्लाह से दुआ है ये है कि जो इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है कि जो वबाई सूरत है, बीमारी जो फैल रही है, तो अल्लाह से दुआ है कि वो इससे जल्द से जल्द टाल दे। तो वही इसको इसमें शिफा देने वाला है और कोई इसका सहारा नहीं है। तो फिर से हम मुसलमान जितने भी हैं, जितनी भी इबादत गाहें हैं, खानका हैं, दरगाह हो या खानका हो, दसगिर साहब की जगह जो है, जितनी जितनी भी बड़ी जो इज्तिमात होते थे तो वो मरकज़ जो सब तमाम बंद थे। तो इस मस्जिद की अगर बात करेंगे तो ये लॉकडाउन से पहले भी, चाहे दफ़ा 370 जो हटा उसके बाद से ही बंद है, कम से कम एक साल हो चुका है। तो फिर भी आज जो खुल गया है तो हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह के ऊपर। और यही हम कहना चाहते हैं कि हमने फिर भी ये सोशल डिस्टेंस का एहतमाम ज़रूर किया है, यहाँ पे मास्क के साथ सब लोग आए और नमाज अदा की। और ख़ासकर ये दूसरी बात मैं कहूँगा, ख़ासकर ये जो गुस्ताख रसूल नबी पाक सल्लम के ऊपर गुस्ताखी जो की है, माहौर जो रियासी का रहने वाला ये साधु है, इस शैतान और बदबख्त लाइन, इसको कुत्ते की तशबीह भी नहीं दे सकते हैं कि वो भी कुत्ते की भी तौहीन हो जाएगी कि ऐसा खबीस तरीन आदमी जिसने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी की है। क्योंकि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम तमाम कायनात के रहमतुल आलमीन पैगंबर बना के भेजे गए हैं, तो ये हमसे बर्दाश्त कतन नहीं होगा। हम अपनी जान फिदा करेंगे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम पर, अपने बच्चों को फिदा करेंगे। अगर हमें हमारे माँ बाप को गाली देंगे तो हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, और भाई बहनों को गाली दें हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर आका अलैहिस्सलाम की जो तौहीन की गई है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकते। बस अरबाब हुकूमत से यही कहना चाहते हैं, ख़ासकर अगर यहाँ इस्लामी हुकूमत होती तो इस खबीस लाइन का सर कलम किया जाता, मगर इस वक्त अरबाब हुकूमत इकतदार में नहीं है। इस वक्त जो हुकूमत है, हम उस हुकूमत से कहना चाहते हैं, अगर छोटे छोटे नौजवान बच्चों को पैसे लगाया जा सकता है, नाबालिग बच्चों को फिलफोर जेल में डाला जा सकता है, मगर इस खबीस लाइन को फिल फोर के फर किरदार तक पहुँचाया जाए, इससे पैसे लगाया जाए और इससे रिहा न किया जाए। ये क्या होता है कि कहीं मोहम्मद अरबी सम की तौहीन की जाती है, कहीं कुरान की अजमत के ऊपर खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं कार्टून बनाए जा रहे हैं, कहीं मसाजिदों की बेहरमती की जा रही है। मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक सब्र करेगा, कब तक इस जुल्म के खुलना आज कितना महत्वपूर्ण है यहाँ के लोगों के लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बात है कि जामे हमारी जो खुल चुकी है आज काफ़ी अरसे के बाद, कम से कम साल के बाद, ये लॉकडाउन से पहले ही जो उससे पहले ये कर्फ्यू भी था, पाँच महीने के बाद जो आज खुल गई है, तो ये बहुत ही मुबारकबाद हमारे लिए कि जामे मस्जिद हमारे लिए खुल गई है, हमने जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा की।